छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों से लगातार ट्रेनों को रद्द किए जाने के विरोध में दंतेवाड़ा कांग्रेस कमेटी ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया। पीसीसी के निर्देश पर बुधवार को दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश गौतम, छविंदर कर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता दंतेवाड़ा के रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन रोक दी। कुछ लोग ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए तो कुछ लोग पटरी पर खड़े होकर जमकर रेलवे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में विगत 3.5 वर्षों में जो केंद्र में एनडीए की मोदी जी की सरकार है, इसके द्वारा मैंने 2020 में करीब 35,000 ट्रेनें रद्द की गई, फिर अभी 2021-22 में भी करीब 32,000 ट्रेनें निरस्त की गई, अभी इसी महीने भी 28 ट्रेनें रद्द की गई, आज से ये ट्रेन भी यहीं तक चलेगी, ये भी आगे नहीं जाएगी। तो इस तरह से जो परिवार गर्मी की छुट्टियों में अपने घर जाता है, रिजर्वेशन कराया था, इतनी बड़ी संख्या में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा आप देखेंगे कि हर ये जिला कांग्रेस कमेटी जो है उनके दंतेवाड़ा के लोग आए हुए थे, जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है रेल रोको उनका जो प्रोग्राम था उसके अंतर्गत, और उसके वो रेल मिनिस्टर को सूचित करते हुए एक मेमोरेंडम हम लोगों को दिए हैं, उसको मैं अपने अधिकारी को अभी नोटिस करवाऊँगा, उसके रिगार्डिंग जो भी है कार्रवाई की जाए।